देखो डब्बू, अब बहुत हो चुका है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि भगवान कहाँ है। डब्बू बताओ मेरा भाई कहाँ है। अनन्या दीदी प्लीज रोके इस दर्द में, वरना बेकार में मैं गिटार की तरह बजता रहूंगा। विवान का सामना कुछ दुश्मनों से हुआ था जिन्हें तिमनासा की तरह विवान से कुछ चाहिए था, लेकिन विवान ने उन्हें देने से मना कर दिया और फिर हमारे दुश्मनों ने गुस्से में आकर विवान को इस गोले में डाल दिया। ये गोला पहले बड़ा ही था लेकिन फिर दुश्मनों ने तुमसे चुरा कर इसे छोटा कर दिया। अब परिया इसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है और इस समय मैं परियों की मदद कर रहा हूँ। शाबाश डुबाडुबा, अब तुम पूरी तरह से विवान बन गए हो। अब जाओ, जल्दी से आरती में चली जाओ। लेकिन करुणा जी डांटेंगी। पूरा डिब्बा हीम क्रीम खा सकते हो लेकिन डांट नहीं खा सकते। जाओ। ठीक है। असली विमान को उस गोले से बाहर निकालने का कोई हल मिला? अभी तक तो नहीं, अब एक ही उम्मीद है हमारे पास, ध्वनि परी। आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। फालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। ध्वनि परी, अब इस गोले को वीर लोक ले जाने का समय हो गया है, पर अनन्या को नहीं पता कि मैं बालवीर हूँ, इसलिए उसे यहाँ से भेजने में मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है बालवीर। विवान, विवान गोले में से बाहर कैसे आ गया? विवान गोले में से बाहर निकल ही नहीं सकता। I'm 200% sure ये कोई मैजिकल डुप्लीकेट है। बहुत हवा में फ्लाई करते हो ना पालवी, अब देखो मैं कैसे इस गोले को हवा में उड़ाता हूं। तैयार हो जा पक्षी। अरे सीटी तो बजाओ रे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। ध्वनि परी, जिस तरह से ये पक्षी बार बार अपनी दिशा बदल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई असली पक्षी है, बल्कि कोई इसे जादू से नियंत्रित कर रहा है, यही कहीं आसपास से। अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे। ये पंछी उड़ रहा है लेकिन ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ये पालू पीछा क्यों नहीं कर रहा है पक्षी का?
हमारा दुश्मन इस पक्षी की मदद से हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहता है। लेकिन मैं ये भी समझ गया कि विवान की सुरक्षा जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी हमारे दुश्मन के लिए भी है। इसलिए अब हम इस पक्षी का पीछा नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन का पीछा करेंगे। फिर हम दुश्मन को ढूंढेंगे कैसे बालवीर? नहीं ध्वनि परी, जब हम पक्षी के पीछे नहीं जाएंगे तब हमारा दुश्मन खुद परेशान होकर हमें संपर्क करेगा। अब मछली के लिए बनाए हुए जाल में मछली नहीं, जाल बचाने वाला खुद फंसेगा। कहा था ना ध्वनि परी, दुश्मन हमें खुद संपर्क करेगा। चलिए ये दूर जाकर कौन सा माइंड गेम खेल रहा है बालवीर? ब्रिगेंजा, तुम अपनी फ्लाइंग कबड्डी चालू रखो, तब तक मैं इस बालवीर को देखता हूँ। ध्वनि परी, अब हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ से हमारे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। मुझे बस थोड़ा सा समय दो बालवीर, मैं अभी अपनी ध्वनि तरंगों का जाल बुनती हूँ, तब तक तुमसे कोई जवाब मत देना। मुसीबत। ओ हेलो, मुझे हमारे दुश्मन कहाँ है ये जानने के लिए ध्वनि तरंगों का जाल तैयार है बालवीर। बस अभी तुम अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना, ठीक है? हेलो, बोलो। तुम्हें विवान के लिए कोई टेंशन नहीं है क्या? अब तुम तो मामूली से पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज निकले, तुमसे कौन डरेगा? इसलिए विवान की चिंता तुम छोड़ दो और आप आसमान में कबूतर उड़ाओ। आने मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? दबड़ दबड़। और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो? क्या हुआ ध्वनि परी? मेरी ध्वनि तरंगे कह रही है कि जिससे तुम्हारी बात हो रही है वो यहाँ कहीं से दूर जा रहा है। हाँ? दूर जा रहा है? हाँ। मतलब ये वो नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं? नहीं, शायद उस तरफ कहीं। क्या हुआ? करेक्टली सुनाई नहीं पड़ी मेरी वार्निंग? चलिए सोनी परी, जिससे मुझसे बात की वो यहीं पर था, हमें भटकाया गया है, वो हमारे हाथों में था और बचकर निकल गया। That was so cool, Mr. V. And बिल्कुल राइट टाइम पर आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल, इसके की आगे की बात करने के लिए मैं बिरबा को भेजता हूँ। नो मिस्टर बी, जस्ट गिव मी वन मोर चांस, फिर देखिए मैं उस बालवीर को कैसे डांस करवाता हूँ। तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि बालवीर का खून कैसे हासिल कर सकते हो, बस। ओके मिस्टर बी। ये लो, सुनो, तुम यहाँ आओ, ठीक है? मुझे लगता है म्यूजिक की वजह से सब शांत हो गया, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े हो कि म्यूजिक बजाओ, मैं जंप करके जाती हूँ और जाके गोला लेके आती हूँ, ठीक है? सोनी परी, अब हम क्या करें? अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे। हाँ? और वो कॉलर भी हाथ नहीं लगा,
और विवान का गोला कहाँ पर है ये भी मुझे नहीं पता। अरे गोला कहाँ गया? तबू गोला मिल गया। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं नहीं कल नहीं कर रहे अच्छे गोले कहाँ गिर गया? अरे मुझे बताओ था कि गिर रहा है तो मैं गिरने देती क्या? गोले को ढूंढो जल्दी। हाँ, चलो ढूंढते जाओ 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 जाओ। आई यू मैड? अंडा ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में से निकल गया? अब कहाँ है गोला? गोला गोला उस पते ले दे। गोले को उस उबलते हुए तेल में डाल दिया। मेडिकल कूलिंग इफेक्ट वाला एसी चलाना पड़ेगा मुझे। फाइनली हम क्या आवाज यही कहीं से आ रही? लेकिन वो है कहाँ? अरे देवू भैया प्लीज बचाइए मुझे। देवू भैया प्लीज कुछ कीजिए, बहुत गर्मी है यहाँ। विवान कहीं इस तेल के पतीले में तो नहीं? विवान विवान देवू भैया। अरे 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 मेरी बात सुन। ये तो कट मार के चला गया। फाइनली ठंडक मिल गई। थैंक यू देवू भैया। आर यू स्टूपिड और व्हाट? ऐसे कौन करता है? पोता तो लग गई होगी ना, पूरा हाथ लाल हो गया है। ये तो सिर्फ इंटरवल था, क्लाइमेक्स में ऐसा ट्विस्ट लेकर आऊंगा कि इनका गेम ओवर हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बाहर निकालने के लिए। हमें जल्दी कुछ करना होगा। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ हेलो। बहुत स्मार्टली तुमने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की बाल्वी, पर अब तुम्हारी स्मार्टनेस का कोई यूज नहीं। अभी समय वेस्ट मत करो मेरा, मेरे पास केवल 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बचाने के लिए। तो बताओ मुझे वो प्लास्मा देने के लिए कहाँ आना है? बताऊंगा, बट रिमेम्बर अगर इस बार कोई ट्रिक यूज करने की कोशिश की तो तुम्हारा प्यारा छोटा बालवीर तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। बिकॉज आई विल डिस्ट्रॉय द की। मंजूर है। कूल, देन कम टू ओल्ड फैक्ट्री। बट हाँ, अकेले आना। अगर किसी को साथ लेकर आए तो पता है ना, आई विल डिस्ट्रॉय द की। मैं आ गया हूं अकेले। कहां हो तुम बताओ? तुम्हारे सामने एंड वॉचिंग यू। अब बिना टाइम वेस्ट किए इस सिरिंज में अपना ब्लड भरता हूं।
और जिस तरह से ये तुम्हारे पास आया है, सेंड इट बैक टू मी। ये सीरीज मैं तभी यहां पर रखूंगा जब तुम उस छोर पर चाबी रखोगे। ओके देन। अरे तरह की बनाई हुई चाबी तो कभी नहीं टूट सकती। मेरे खून से ये चाबी जुड़ गई। फिलहाल ये सब सोचने का समय नहीं है, मुझे विवान को बाहर निकालना चाहिए। विवान, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश हूं। आई नो भैया, क्योंकि आपको तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। शौर्य, मैं बहुत खुश हूं कि विवान 20 साल तक उस गोले में बंद होने से बच गया, और इस बात की संतुष्टि भी है कि बालवीर को ये पता नहीं चला कि ये वही गोला था जो जयकास ने बनाया था। ये निश्चिंत होने का समय नहीं है बालपरी, वो बालवीर है, वो किसी भी समय अपने अतीत के तार इससे जोड़ सकता है। सितारों की दशा बता रही है कि बालवीर का अतीत दोबारा जागने वाला है। कहीं विवान ही वो सूत्र ना बन जाए जो बालवीर को उसके अतीत से जोड़ दे। मिस्टर बी, नाउ आई कैन मूव माय हैंड। अब मैं इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब दोनों बालवीर खत्म होंगे मेरे इन हाथों से। मैं भी अब घर जाती हूँ, ठीक है? बाय विवान, बाय। वैसे पानी से याद आया, हमारे विलेंज को जो चाहिए था क्या वो उन्हें मिल गया? Really very sorry. मेरी वजह से आपको अपना खून देना पड़ा, आपको हारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। आई
विवान, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं अपने शरीर की एक एक बूंद दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर मेरे खून का वो लोग करेंगे क्या? पर फिर जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं करने दो जो करना है, क्योंकि जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। इरादा है शिंकाई के साथ साथ पूरी दुनिया पर राज करने का, और उसके लिए दोनों बालवीर को खत्म करना होगा। इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, लेट्स अटैक ऑन देम मिस्टर बी। मुझे पता है मिस्टर बी, हमें पहला अटैक क्या करना है। अच्छा, मुझे ना सब्जी लेने मार्केट जाना है, तू ना जब अलार्म बजे तो पानी पीते रहना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। पक्का ना? हाँ, पक्का पक्का। ये किसी बड़े तूफान के आने का अंदेशा लगता है। जाओ विवान। यू आर रॉन्ग बालवीर, बिकॉज तूफान आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। भैया ये गोभी कैसी थी? 40 रुपए आधा किलो। अरे 40 नहीं, 35 की लगाओ ना। अरे लेकिन वो गोलो नहीं सुनो, मौसम खराब हो रहा है, घर जाना है, पैक करो जल्दी। माल अब घर चाहिए, चाहिए। मैं तुम लोगों की यहाँ मदद करने आई हूँ। हाँ धोनी परी, आप जाइए। मैं वहाँ जाती हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ। बालवीर, ये बवंडर तो चला गया। हाँ, लेकिन अगर हमें इसकी असली शक्ति जाननी है तो इसका पीछा करना होगा। चलो विवान। आखिर दोनों बालवीर मेरे सामने आ ही गए, देखता हूँ कैसे टैकल करते हैं मुझे। इस बुरी शक्ति को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक साथ वार करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति 2 गुना होगी और उसका असर 100 गुना होगा। You are right, भैया। अब रे तुम्हारे अटैक का जवाब तुम्हारे अटैक से ही देगा। जिस मिशन के लिए आया था वो कंप्लीट हो गया। बाय बाय बालवीर, सी यू सून। इस पूरी शक्ति के पास हमारे हर बार का जवाब है। वाह, मैं शौर्य से मिलने वीर लोग जा रहा हूं, तुम भी बाकी सबको सुरक्षित करके वहां पहुंच जाना। ओके भैया। शौर्य, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे खून से बना हथियार इतना खतरनाक और हानिकारक हो सकता है, लेकिन शौर्य, उसकी और हमारी शक्ति बिल्कुल बराबर थी। नहीं हमारी जीत हुई, नहीं उसकी। ऐसे तो हम उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। सही कहा बालवीर,
उस बुरी शक्ति को हराने के लिए तुम्हारी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका शौर्य? बताता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आई गेस यहाँ पर कोई बहुत ही डेंजरस तूफान आया था। हाँ आया था, बट क्या है ना, यहाँ करंट काफी ज्यादा है इसलिए फिर रिटर्न हो गया। वैसे यहाँ सभी लोग काफी अच्छे हैं, सो आप भी सबके साथ पीसफुल ही रहना। तुम लोग पीसफुल ही ना रह सको इसीलिए तो मैं आया हूँ भारत में। घर उस बुरी शक्ति को हराने की तरकीब है परम धनुष। परम धनुष? परम धनुष? लेकिन शौर्य, परम धनुष का इस्तेमाल तो हमने कलयुग के अंत के लिए बचा कर रखा था ना? हाँ बालपुरी, पर अगर इस बुरी शक्ति का अंत नहीं किया गया तो कलयुग के अंत से पहले अच्छाई और इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इससे पहले कि कोई तुम्हारी टक्कर की बुरी शक्ति तुम्हारे सामने आए और वो तुम पे हावी हो सके, इस परम धनुष से तुम्हारी शक्ति उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अपनी बुरी शक्तियां बढ़ाने के लिए मुझे 9 दिनों में 9 अच्छाइयों की आहुतियां देनी होगी। नवरात्रि के अगले 9 दिन तुम्हें जितना हो सके अच्छाई बढ़ानी होगी दुनिया में, क्योंकि जब अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई अपने आप छोटी और कमजोर हो जाएगी, और जैसे जैसे अच्छाई वीक होती जाएगी हम अपने आप स्ट्रांग होते जाएंगे। देन ऑन द 10th डे मैं बन जाऊंगा कलयुग का रावण, 10 evil सिर वाला रावण। और 10वें दिन जब विजयादशमी का दिन होगा तुम दोनों बालवीर इस परम धनुष से बुराई के रावण का अंत करोगे। शुरू होता है अच्छाई की जीत का हमारा मिशन, मिशन विजयदशमी। जय माता दी। जय माता दी। धन्यवाद। वो क्या है ना, त्रिशूल के बिना माता की मूर्ति अधूरी लगती है। आखिर इसी से ही तो माता रानी बुराई का अंत करती है। अभी खुश होने का समय नहीं आया है, हमने जीत की तरफ सिर्फ पहला कदम बढ़ाया है, जीत हासिल नहीं की है। इसके अंदर अच्छाई के बीज हैं, जिन्हें आरती के समय पंडित जी की लाई हुई मिट्टी में बोना है। इन्हीं 10 बीजों से निकले पौधे जिस तरह धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे अच्छाई की ताकत बढ़ती जाएगी। ध्वनि परी, बीज की ये पोटली बालवीर को दे दीजिए। लेकिन याद रहे, ये बीज धरती पे कहीं गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि गिरते ही ये बीज खंडित हो जाएंगे। इन्हें हर हाल में सीधा मिट्टी में ही बोना है। अरे ये कौन सा अजूबा है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.